आज हम जानेंगे फिर भी, और भी, आज भी, वैसे भी, कभी भी, कहीं भी, कोई भी, कभी कभी, किसी को भी। इन सब के हम इंग्लिश वर्ड्स जानेंगे और इन पे एक एक सेंटेंस भी बनाएंगे ताकि आप इन सब का आसानी से अपने डेली लाइफ में उपयोग कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है आपका फिर भी, उसकी इंग्लिश होती है इवन देन। वह फिर भी हंस रही थी, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इवन देन शी वॉज लॉफिंग। वह फिर भी सोच रही थी, इवन देन शी वॉज थिंकिंग। अगला वर्ड है आपका और भी, और भी को हम बोलते हैं मैनी मोर। जैसे कि मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा, आई विल मेक मैनी मोर वीडियोस। मैं और भी जगह घूमने जाऊंगा, आई विल गो टू विजिट मैनी मोर प्लेसेस। अगला वर्ड है आपका आज भी, की इंग्लिश होती है इवन टुडे। वह आज भी मुझे नहीं भूला, इवन टुडे ही डिडंट फॉरगेट मी। वह आज भी नहीं सुधरा, इवन टुडे ही डिडंट इम्प्रूव। वह आज भी वहीं रहता है, इवन टुडे ही लीव्स देयर। अगला वर्ड है आपका वैसे भी, वैसे भी मैं ज़्यादा नहीं सोचता, एनी वे आई डोंट थिंक सो मच। मैं वैसे भी वहाँ नहीं जाऊँगा, एनी वे आई वॉन्ट गो देयर, या फिर एनी वे आई विल नॉट गो देयर। वैसे भी इसका क्या फ़ायदा, एनी वे वॉट इज़ द यूज़ ऑफ इट। कभी भी की इंग्लिश होगी एनी टाइम। तुम मुझसे मिलने कभी भी आ सकते हो, यू कैन कम टू मीट मी एनी टाइम। कभी भी मुझे बुला सकते हो, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। कहीं भी की इंग्लिश होगी एनी वेयर। वह तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगा, यू विल नॉट गेट इट एनी वेयर। मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो एनी वेयर। वह कहीं भी हो सकता है, ही कैन बी एनी वेयर। जब भी की इंग्लिश होती है वेन एवर। जब भी तुम्हें कोई दिक्कत हो मुझे बुला लेना, वेन एवर यू हैव एनी प्रॉब्लम कॉल मी। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं वेन एवर यू हैव ट्रबल कॉल मी। जब भी तुम उसे बुलाओगे वह तुम्हें नहीं मिलेगा, वेन एवर यू विल कॉल हिम यू विल नॉट मीट हिम। जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं आ जाना, वेन एवर आई कॉल यू कम। जब भी मौका मिले छोड़ना मत, वेन एवर यू गेट अपॉर्चुनिटी डोंट लेट इट गो। कोई भी का मतलब होता है एनी वन। यहाँ कोई भी आ सकता है, एनी वन कैन कम हीयर। इंग्लिश कोई भी सीख सकता है, एनी वन कैन लर्न इंग्लिश। अगला है कभी कभी, मतलब इंग्लिश में कहेंगे हम समटाइम्स। कभी कभी मुझे लगता है तुम बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो, समटाइम्स आई थिंक यू आर सो सिली। कभी कभी मैं वहाँ जाता हूँ, समटाइम्स आई गो देयर। कभी कभी वह मुझसे मिलता है, समटाइम्स ही मीट्स मी। कैसे भी की इंग्लिश होती है एनी हाउ। मैं वहाँ कैसे भी जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो देयर एनी हाउ। मुझे वो कैसे भी चाहिए, आई वॉन्ट टू गेट इट एनी हाउ। तुम कैसे भी उसे पा सकते हो, यू कैन गेट हिम एनी हाउ। अगला है किसी को भी, इसकी इंग्लिश होगी टू एनी वन। मैं किसी को भी मौका नहीं दे सकता, आई कैन नॉट गिव अपॉर्चुनिटी टू एनी वन। मैं किसी को भी अपना फ़ोन नहीं दिखाऊंगा, आई विल नॉट शो माई फोन टू एनी वन। तो इस तरीके के आप सेंटेंस बना सकते हैं इन वर्ड्स का यूज़ करके। चाहूँगा कि कुछ सेंटेंसेस आप कमेंट सेक्शन में बताइए, कुछ सेंटेंसेस ये स्क्रीन पे हैं आपके, इसको आप बताइए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन।